और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बीजेपी में विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। नौनिया चौहान बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। सरकार में वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल से कयास लगाए जा रहे थे कि दारा सिंह भी इस्तीफा देंगे और आज वो हो गया। आज फिर से यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कल बोल रहे थे कि बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है दारा सिंह चौहान ने, और दारा सिंह चौहान के रूप में अब बीजेपी का दूसरा विकेट गिरा है। दारा सिंह चौहान की तरफ से जो इस्तीफा पत्र दिया गया है उसमें उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की ओर घोर उपेक्षा रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और फिर नीचे मोहर लगाकर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीजेपी में लगातार पतझड़ का दौर देखने को मिल रहा है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद तमाम विधायकों ने इस्तीफा दिया, और आज योगी सरकार के दूसरे बड़े मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। गजब की बात यह है कि कल दारा सिंह चौहान ने कहा था कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और आज इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट पद से, जो बताता है कि बीजेपी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो बीजेपी से नहीं संभल रहा है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल से जिन मुद्दों पर और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो आरोप बीजेपी पर दारा सिंह चौहान ने लगाए हैं, इन मुद्दों पर, इन आरोपों पर पिछले 5 साल से उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, और अब उनका कहना है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उससे मैं आहत होकर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कल से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी थमा नहीं है। बीजेपी में दूसरा बड़ा विकेट गिरा है और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया है।